विकास भवन से मतदाता जागरूकता के 9 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी वोटिंग मशीन के साथ भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 9 वाहन को रवाना किया गया है और यह वाहन उन गाँव में जाएंगे जहाँ वोटिंग का परसेंटेज कम है और वाहन में लेखपाल बीएलओ सचिव रहेंगे जो नागरिकों को 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी दी जाएगी और मतदान के लिए सभी को शपथ दिलाया जाएगा कि सभी नागरिक 3 मार्च के मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और मतदान करेंगे तथा देश को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पोलिंग बूथ पर सभी तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी तथा उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा और सभी लोगों को वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। यह सब बातें मतदाताओं को बताई जाएगी जिससे कि वह अपने आसपास के लोगों को भी बता सके। इस अवसर पर डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, हो गया सबका फोटो गाड़ी हट जाइए, हट जाइए, जाने दीजिए गाड़ी, जाने दीजिए, चलो बड़ा रवाना हो जाइए। ये मतदाता जागरूकता वाहन को हमने जो हमारा स्वीप का कार्यक्रम है गोरखपुर का उसके अंतर्गत किया गया है। इसमें हमने एक जिला स्तरीय अधिकारी के साथ वोटिंग मशीन आर ओ के लिए भेजी है और वो वोटिंग मशीन जो है टोटल 9 वाहन किए गए हैं और 450 बूथों पे अगले 3 हफ्ते में ये वाहन जाएंगे जहाँ पे सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है। हर वाहन में BLO, लेखपाल, सचिव और टीचर रहेंगे जो मतदाताओं को जागरूक एजुकेट करेंगे 3 मार्च के लिए वोटिंग डालने के लिए प्रेरित भी करेंगे उनको। इसके जागरूक के लिए जो है उनको पहले तो जो ये वोटिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, शपथ ली जाएगी उनसे कि आप उस दिन आके वोट डालेंगे और इसके अलावा उनकी कोई अगर समस्या है वो बताया जाएगा और पोलिंग बूथ के जो फैसिलिटीज़ वहाँ दी जा रही है उसके बारे में बताया जाएगा। कोविड को लेके कोई संशय उसको दूर किया जाएगा, कोविड की गाइडलाइन जो है, कोविड की सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में, दिव्यांगों के लिए जो हमारे दिव्यांगजन भाई जो वोटर हैं उनके लिए जो की गई है सारी चीज़ें उनको बताई जाएगी वहाँ।